दोस्तों चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बनाने की योजना के कारण भारत चीन संबंध काफी तनावपूर्ण रहते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन तिब्बत में उपस्थित चेम्युंगनोंग ग्लेशियर से होता है, जहां से ये सांगपो रिवर के रूप में ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। नामचा बरुआ पर्वत के पास से ये भारत में एंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। असम में वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ये धुबरी नामक स्थान तक पहुंचती है और धुबरी से साउथ डायरेक्शन में बांग्लादेश में एंटर करती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये रिवर बेसिन टोटल 6 स्टेट्स में फैला हुआ है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, वेस्ट बंगाल और सिक्किम शामिल हैं। इसके लेफ्ट बैंक में दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपली प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि राइट बैंक में सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धुबरी और तीस्ता प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस रिवर में मेनली रेड सोइल पाई जाती है, इसीलिए इसे रेड रिवर भी कहते हैं।